दिल्ली के साथ साथ बिहार की भी आबोहवा जहरीली हो रही है। तो दिवाली के बाद से पटना में प्रदूषण का जो लेवल है वो बढ़ गया है। बढ़ते प्रदूषण को लेकर हमारे ब्यूरो चीफ एसके राजीव ने पर्यावरण विद डॉक्टर संजय से बातचीत की। पटना में पॉल्यूशन दीपावली के बाद जो डेंजर लेवल है, जो डेंजर जोन है, उसको क्रॉस कर चुका है। और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है पर्यावरण विद डॉक्टर संजय। संजय जी, जो पॉल्यूशन की स्थिति है खासकर के दीपावली के बाद, वो काफ़ी ख़राब स्थिति है और ये कहा जा रहा है कि जो डेंजर लेवल है उसका, उसको क्रॉस कर चुका है। अरे ठीक है, वो एक को लेकर के, चूंकि पॉल्यूशन में कई चीज़ें होती हैं, कुछ गैसेस हैं, कुछ पार्टिकुलेट मैटर हैं। अब 8 हम लोग मेन फैक्टर को मानते हैं कि वो मिलकर के पॉल्यूशन लेवल को, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स जिसके आधार पर हम लोग मेजर करते हैं, उसके आधार पर 2.5 पार्टिकुलेट मैटर है, 10 पार्टिकुलेट मैटर है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, अमोनिया है, ये ओजोन है। तो इस तरह से 8 फैक्टर को हम लोग लेकर के चलते हैं, लेकिन 2.5 जो पार्टिकुलेट मैटर है वो ज़्यादा देखा गया यहाँ। अब रह गई बात कि पटना की, तो संजोग इस बार ऐसा रहा कि पटना में जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो रिपोर्ट है उसमें दीपावली के बाद पॉल्यूशन लेवल कम दिखा, बल्कि दीपावली के पहले अगर बृहस्पतिवार थर्सडे को देखा जाए तो यहाँ पर वेरी पुअर क्वालिटी था। और धीरे धीरे न जाने क्यों अवेयरनेस की वजह से थोड़ा इम्प्रूव किया। ये फ्राइडे को मॉडरेट स्थिति में रहा, सैटरडे को जो है वह सेटिस्फैक्ट्री स्थिति में रहा, फिर संडे को वो मॉडरेट स्थिति में रहा। तो इस तरह की स्थिति रही, लेकिन एक चीज़ यहाँ बढ़ता हुआ दिखा, नॉइज पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन को तो लोगों ने कहीं ना कहीं से टैकल किया, एक अवेयरनेस हुआ, जो स्कूलों में जो एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया गया, बच्चे जो फटाके छोड़ते थे उनको जब ये बताया गया, और इस बार खास करके। लेकिन एक पार्ट और रहा, ये पार्ट रहा कि प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी ग्रीन दिवाली मनाने की, ग्रीन फटाका। पटना में ग्रीन फटाका था ही नहीं, कई जगह ये खबरें आई कि ग्रीन फटाका होगा तब तो बच्चे इसका इस्तेमाल करेंगे, तो ग्रीन फटाका था ही नहीं। लेकिन जो नॉइज पोल्यूशन का लेवल था, वो नॉइज पोल्यूशन का लेवल बढ़ा हुआ था। और रह गई बात कि जो एयर क्वालिटी जो है वह क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, इसीलिए दूसरे दिन, दिवाली के दूसरे दिन भी दोपहर तक वह जो पार्टिकुलेट मैटर थे वह सेटल नहीं कर पाए थे। और नहीं सेटल करने के वजह से जो लोग, खास करके जो एस्थमेटिक पेशेंट हैं या जिनको ब्रोंकाइटिस है या जिनका लंग्स कमज़ोर है, तो खास करके पटना मेडिकल कॉलेज में और नालंदा मेडिकल कॉलेज में जो पल्मोनरी वार्ड के जो डॉक्टर थे, उन्होंने कहा कि काफ़ी पेशेंट आए जो चेस्ट स्पेशलिस्ट थे उनके पास, और वो ब्रेथलेसनेस के शिकार लोग हो रहे थे। चलिए, डॉक्टर संजय हैं, कुशल पर्यावरणविद हैं, और इनका ये कहना है कि अगर आप राजधानी पटना में रहते हैं तो एहतियात के तौर पर कई चीज़ों को एक्सेप्ट कीजिए, कई चीज़ों को अडॉप्ट कीजिए, ताकि दूषित हो चुके पर्यावरण से आपकी रक्षा हो सके। पटना से इसके राजीव, R9 TV।